शेर ठोक दीजिए महाकाल का सर ठोक दीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं पंकज और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से द टेक ट्रैवलर। दोस्तों, हमने अपने चैनल पे आज तक टेक की बातें बहुत सारी की हैं, लेकिन यार हमारे नाम में द टेक ट्रैवलर आता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज टेक के साथ ट्रैवल की भी बातें कुछ कर ली जाएँ। तो आज एक ऐसे ही प्रोडक्ट की हम अनबॉक्सिंग और अपना फर्स्ट इम्प्रेशन देने जा रहे हैं, और उसका रिव्यू मैं उसका इस्तेमाल करने यानी ट्रिप मारने के बाद आपसे शेयर करूँगा। लेकिन फिलहाल आज मैं एक ऐसे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जो मैंने अभी मंगाया है और जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है, काइंड ऑफ नेसेसरी है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, आज इस प्रोडक्ट की हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू आपसे शेयर करने जा रहे हैं, वो प्रोडक्ट है ये। ये डिकैथलॉन से आया है, मैंने इसे ऑर्डर किया था डिकैथलॉन से, रक्सैक 50 लीटर फोर क्लास। तो डिकैथलॉन का एक ब्रांड है फोर क्लास, ये एक रक्सैक है जो मैंने डिकैथलॉन से ऑर्डर किया था, फोर क्लास 50 लीटर रक्सैक। तो आज चलिए मैं अनबॉक्सिंग, मैंने इसको निकाल के देखा है, लेकिन आपके लिए इसकी क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर बताते हैं आपको इसके बारे में कि क्या फ़ीचर्स हैं इसके, कौन कौन सी इसमें चीज़ें हमको मिल जाती हैं जो हमारे लिए ट्रैवलिंग के दौरान या ट्रैकिंग करने के दौरान बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाली हैं। निकालते हैं इसको, और ये रहा हमारा रक्सैक। दोस्तों, ये रहा हमारा रक्सैक फोर क्लास 50 लीटर। मुझे ये मेरे एक दोस्त ने रेकमेंड किया था, क्योंकि इसमें एक स्पेशल फीचर है जो आप पैकिंग के दौरान जब आप सामान सारे रख लेते हैं तो उसमें आपको काफ़ी यूज़फुल पड़ता है, रीच आपकी अच्छी कर देता है, तो आपको सारी चीज़ों को अस्त नहीं करना पड़ता। तो बारी बारी से सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लुक की, कलर की। तो लुक वाइज, कलर वाइज मुझे बहुत पसंद आया, और इसमें मोर देन सफिशियंट चेन्स, ब्लॉक्स, पॉकेट्स दिए हुए हैं आपके छोटे सामानों के लिए भी, और ऐसी चीज़ें जो आपको तुरंत चाहिए उनकी रीच के लिए भी। आपके साइड में, बगल में काफ़ी सारे पैकेजेस दिए हुए हैं कि आप उसमें रख सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं कि इसमें यूटिलाइजेशन किस किस चीज़ का, किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले ये इसका मेन सेक्शन है, इसको मैं अंदर से डिटेल दिखाऊंगा, लेकिन पहले ऊपर बता लेता हूं आपको। ये आपको इसका मतलब फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड में हमें एक यहाँ चैन मिल जाती है और एक यहाँ चैन मिल जाती है, दोनों साइड हमें एक एक चेन मिल जाते हैं, और काफ़ी अच्छा स्पेस है इन चेन्स में, खूब लंबा यहाँ नीचे तक आप देख सकते हैं मेरा पूरा हाथ कोहनी तक इसमें जा चुका है। उसके अलावा ऊपर आपको इसके अलावा साइड, इन दोनों साइड पॉकेट्स के अलावा जो एक्स्ट्रा मिलते हैं, एक ये, फिर यहाँ फ्रंट में और इस साइड में, ये तीन अलग से पॉकेट्स आपको मिलते हैं जिसमें आप कोई छोटे मोटे सामान जैसे बॉटल वगैरह या कुछ और भी चीज़ें छोटी मोटी रखनी हो तो आप रख सकते हैं, या कहीं जा रहे हैं आपने कुछ रेडी टू ईट फूड रखे हैं जैसे चिप्स वगैरह या बिस्किट वगैरह, आप कोई ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आपको गंदा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जहाँ कोई डस्टबिन नहीं है, तो आप उसे वहाँ मत फेंकें। मेरी सलाह यही है, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप कहीं भी ट्रैकिंग करने जा रहे हैं तो प्लीज़ गंदगी वहाँ मत फेंकिए, उसको रख लीजिए अपने आसपास कहीं, मतलब ये तो बात उठ गई तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप वहाँ मत गंदा कीजिए, नेचर बहुत खूबसूरत है, उसको वैसे ही रहने दें, गंदगी कम से कम फैलाएं। नीचे साइड में आपको हुक दे रखे हैं होल्ड करने के लिए, ग्रिप बहुत अच्छी है इसकी। यहाँ आपको कि साइड से अगर आपको सामान ज़्यादा है तो ठीक है, कम है तो आप इसको टाइट करके और छोटा कंप्रेस कर सकते हैं ताकि ये अंदर के सामान बहुत लूज ना हो। ये आपको दिया हुआ है कि अगर आप ऊपर बहुत सामान नहीं, हाइट इसकी कम है, आप इसे और छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी आप इसे एज ए हैंडल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप ऐसे लेके इसको कैरी करना चाहते हैं तो। इसके अलावा जो इसका साइड में आपको ये कवर मिलता है, और कवर के ऊपर कोई ऐसा चैन तो नहीं मिलता, यहाँ पीछे साइड में आपको एक चैन मिल जाता है यहाँ, ये तो आप इसमें कुछ अगर सामान चाहें तो रख सकते हैं, और अगर आपकी स्पेस, मैंने तो इससे थोड़ा लूज़ किया, थोड़ा टाइट आया था ये, आप यहाँ से टाइटन और लूजन अप कर सकते हैं इसे ऐसे, तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा लूज़ कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा सामान है आप इसको टाइट करके कस सकते हैं कि वो इधर उधर बहुत ज़्यादा शिफ्ट ना हो। उसके अलावा आप ऊपर भी चाहें तो कोई ऐसा सामान, जैसे मान लीजिए
आपने जैकेट पहना हुआ है, फिर आपका जैकेट का यूज़ खत्म हो गया, रेनकोट पहना हुआ है, आप ट्रेकिंग करने गए हैं, आपने रेनकोट पहना हुआ है, बारिश हो रही है, बारिश बंद हो गई, आपको रेनकोट रखना, आपने लपेट के फोल्ड करके ऊपर ही ऐसे इसमें पैक कर दिया, वो पैक रहेगा, गिरने के चांसेस नहीं रहेंगे। बाकी ये इसके ऊपर से पैक करने के लिए है। अब जो इसके अंदर के हैं तो अंदर की बात कर लेते हैं, अंदर की बात करना बहुत कठिन है मित्र, तो हम यहाँ से नहीं करेंगे, अंदर की बात हम यहाँ से नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम सही से अंदर की बात कर भी नहीं पाएंगे। अंदर की बात वहाँ से करेंगे जहाँ से इसका स्पेशल फीचर इसे करने को कहता है। इसके सामने के साइड आप देख रहे होंगे ये एक चेन दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक इधर से ओपन करने के लिए है। तो ये चेन आपको इसलिए दिया हुआ है कि जैसे आपने ये सारे सामान पैक कर लिए हैं पूरा ऊपर से नीचे तक, इसके अंदर भी सेक्शंस हैं, वो मेरी चेन ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये सामान अगर आपने सारा सब कुछ अपना पैक कर लिया है, अब आपको नीचे से कोई चीज़ निकालनी है तो आपको फिर पूरा ऊपर से सामान निकालने पड़ते हैं, नॉर्मली बैकपैक्स में यही प्रॉब्लम होती है। उसके लिए इन्होंने क्या किया कि यहाँ ये चेन दी हुई है इन्होंने, इसे आप पूरा यहाँ तक खोल सकते हैं, और भारी है यार, मतलब पड़ा है, आप इसको ओपन कर सकते हैं कितना, तो आप सामान चाहें इसमें रख के जो नीचे और ऊपर के सामान है आप अपनी जरूरत के हिसाब से रीच कर सकते हैं। अंदर की बात अभी भी नहीं बता रहा हूँ, अब रुक जाइए। जो ये कवर आपको दिया है उसमें एक बेनिफिट और है, ये आपने इसको बंद किया, आप इसे पूरा इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, ये पूरा इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और आपको जो भी सामान रखना है आप इसमें रख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें अलग से दिखाना चाहूँगा, जैसे इसमें कुछ सेक्शंस बने हुए हैं, एक चैन दी हुई है कि जैसे आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रखने हैं अंदर, जो आप चाहते हैं कि बारिश वगैरह में भीगे नहीं, उनको फटने का डर ना रहे, जैसे आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ज़रूरी है ट्रैवल के दौरान, आप उसको सेफ रखना चाहते हैं, बार बार आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसका आपके साथ होना ज़रूरी है, आप यहाँ रख के उसे सेफली पैक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पीछे अगर आप ट्रैकिंग के दौरान लैपटॉप या आईपैड वगैरह यूज़ करते हैं, आप उसमें चाहें तो रख सकते हैं, ये अंदर आपके लिए सेफ़ रहेगा। यहाँ बकायदा उसको सीधा स्ट्रेटन रखने के लिए ये दिया हुआ है, अगर आप इसको निकाल के इस बैग को छोटा करना चाहेंगे तो वो भी पॉसिबिलिटी है। इसमें आप लैपटॉप रख सकते हैं, इसमें कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। नीचे के साइड ये सेक्शन दिया हुआ है आपको, ये देखिए, यहाँ जैसे आपकी जो हैवी चीज़ें होती हैं, जो भी आप बैकपैक या रक्सैक यूज़ कर रहे हैं, कोशिश हमेशा आपको ये करनी चाहिए कि जो आपकी सबसे हैवी चीज़ें हैं वो आप नीचे रखिए, क्योंकि अगर आप बीच में या ऊपर रखेंगे तो हमेशा आपके ऊपर सिर के साइड में लगते रहेंगे या झुके रहेंगे, वजन देते रहेंगे, डिसबैलेंस करेंगे आपके बैकपैक को, नीचे रहेगा तो बैकपैक हमेशा बैलेंस रहेगा। तो अब मुझे तो जाना है, तो मैं अपना शू जूता इसमें रखूँगा, ट्रेकिंग शू, और बाकी चीज़ें उसके ऊपर। आप इसको यहाँ इसमें ये दिया हुआ है, इसमें आप इसको लेकर लॉक कर सकते हैं, तो उसको लॉक कर दिया आपने, फिर यहाँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से सारी चीज़ें आपने ऑर्गेनाइज कर ली, सबको आपने रख लिया, उसके बाद आपने फिर इसको बंद कर दिया, यहाँ से लॉक कर दिया यहाँ। अब यहाँ वो चीज़ काम आएगी आपके कि अगर आपको मान लीजिए नीचे से कुछ निकालना है, आपने इसको ओपन किया, अगर आप इस लेयर के नीचे से कुछ निकालना चाहते हैं तो भी आपके लिए इजी है, यहाँ से कुछ निकालना चाहते हैं तो भी आपके लिए इजी है, और ये बहुत हैंडी चीज़ है, बहुत कम्फर्टेबल। बात करता हूँ कम्फर्ट की, तो कम्फर्ट हमें भाई, अब तो वज़न बैग में कुछ मत ले जाओ, बहुत कंफर्टेबल रहेगा बैग एकदम हल्का रहेगा। कंफर्ट के लिए जहाँ बैग टांगने की बात है तो इसके जो स्ट्रैप्स हैं, और यहाँ बैक साइड में ये देखिए, यहाँ बहुत अच्छे से फोम दिया हुआ है, ये है इस कमर साइड में भी आपको बहुत अच्छे से पैडिंग दी हुई है फोम की, और ये जो भी स्ट्रैप्स हैं बाकायदा पैडेड हैं, आपको गड़ेंगे चुभेंगे नहीं, पीठ पे अगर आपको लंबी दूरी पे भी जाना है तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। और बाकी इसमें आपको लूज़ करने के लिए, टाइट करने के लिए सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जो कि नॉर्मली आप लोग जानते ही हैं किसी बैकपैक में होगा। आप अगर इसको कहीं टांगना चाहें तो उसके लिए काफ़ी मजबूत हैंडल दिया हुआ है। साइड में भी एक आपको पॉकेट दिया हुआ है कि छोटी छोटी चीज़ें, कोई भी छोटी चीज़ है, जैसे अगर आप पर्स अपना रखना चाहते हैं इसमें, आप जेब में नहीं रखना चाहते इसमें रखना चाहते हैं कि आपकी रीच में रहे, आप तुरंत इसको निकाल सकें, ये आपके लिए बहुत कंफर्टेबल जगह पे दिया हुआ है कि यहाँ आपके सामने रहेगा, आप तुरंत इसे निकाल सकते हैं, तुरंत जो भी यूज़ करके वापस उसमें रख सकते हैं, और सामने रहेगा तो भाई जेब कटने का भी खतरा कम रहेगा, सुरक्षा बनी रहेगी, सावधान रहें, सतर्क रहें, जय हिंद टाइप वाली सुरक्षा बनी रहनी चाहिए। तो दोस्तों ये रहा फोर क्लास 50L बैकपैक, आपको ये
द टेक ट्रैवलर में से ट्रैवलर का रिव्यू कैसा लगा, फर्स्ट इंप्रेशन कैसा लगा। रिव्यू तो मैं आने के बाद दे पाऊंगा कि वाटरप्रूफ है या नहीं है, बाकी कितना कंफर्टेबल है एक्चुअल में यूज़ करने में, ये सारी चीज़ें बाद में एक वीडियो उसका भी शेयर करूँगा, व्लॉग भी उसका बनाने की कोशिश करूँगा, वो शेयर करूँगा। लेकिन फिलहाल ये इंप्रेशन है मेरा, फर्स्ट इंप्रेशन, मुझे ये बैग बहुत पसंद आया। मेरे दोस्त कुंज ने इसे रिकमेंड किया था और मैं वाकई बहुत खुश हूँ कि जिस बिल्ड क्वालिटी का ये बैग है मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे तो फिर क्या बताएगा आदमी, देख आप देखने में कोई आइडिया नहीं लगता, लेकिन जब आप स्ट्रेच करते हैं या छूते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ कपड़े क्वालिटी कैसी है, फोम वगैरह क्वालिटी कैसी है, इसके इलास्टिक्स की क्वालिटी कैसी है। बहुत अच्छी फील होती है, मजबूत है बैग, पीछे ये जो बैग के सपोर्ट के लिए दिया हुआ ये बहुत अच्छी चीज़ है। पीठ पे आपके ज़बरदस्ती ऐसे बैग, सामान ये होता है ना कभी कभी कि थोड़ा वो सामान ऊपर नीचे हो जाए तो वो आगे की तरफ झुकने लगते हैं, वो सारी चीज़ नहीं होंगी। बैग को स्ट्रेट पोजीशन में रखेगा, वो आपके लिए कहीं चढ़ने के लिए ट्रैकिंग करने के लिए बहुत कंफर्टेबल होगा। दोस्तों ये रहा हमारा 4Class 50L बैकपैक का फर्स्ट इंप्रेशन। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या हमारे अदर वीडियो से रिलेटेड तो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। प्लीज़ अपने दोस्तों को हमारे वीडियो शेयर करिए, उन्हें भी रिकमेंड करिए और हम कोशिश करेंगे कि ऑनेस्ट और सही रिव्यू, इम्प्रेशन, अनबॉक्सिंग, जो कुछ भी चीज़ें हैं हम आपसे ऑनेस्टली शेयर करें, आपको सही चीज़ें बताएं जो हमारी जानकारी में है, आपसे कुछ फेक, कुछ एग्जैजरेटेड या कुछ फर्जी चीज़ें ना शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं आने वाले बहुत सारे वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार।